यार इस साइड ज्यादा हो गया है ना। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी वेयरएवर यू आर। अनदर ईयर, अनदर मंथली फेवरेट सीरीज, जय माता दी। 2022 की हमारी शुरुआत हो रही है, बिकॉज यूट्यूब पर जो हम मंथली फेवरेट्स करते हैं, हमारी शुरुआत साल की वहाँ से हो जाती है। 2 जनवरी थोड़ा सा ठंडा गया बिकॉज साल शुरू होती है, ओमिक्रॉन आ गया, हम भी जरा घर पर बैठ गए, बट लेट जस्ट होप ये साल अच्छा जाएगा। जय माता दी, सबका अच्छा जाएगा। टेक योर गॉड्स नेम, आप जिसमें भी बिलीव करते हो। सो काफी इंटरेस्टिंग जनवरी फेवरेट्स है मेरे पास। बाय द वे, इफ यू आर न्यू हियर, हाय, माय नेम इज कशिका। मैं जो मंथली फेवरेट्स बनाती हूँ उसमें भर भर के एकदम रैंडम रिकमेंडेशन डालती हूँ। इट्स लाइक माय जेमिनी पर्सनालिटी, ब्यूटी, फैशन, मेकअप, एक्ने, स्किन केयर, टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, जो मुझे पसंद आता है ना, मैं मंथली फेवरेट्स में डाल देती हूँ। हैशटैग नॉन स्पॉन्सर्ड एंड ऑनेस्ट रिव्यूज। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, प्लीज सब्सक्राइब बटन पर हिट कर दो, बेल आइकन पर हिट कर दो, एंड विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्टिंग विद एक्ने स्किन केयर, बिकॉज मेरी ऑडियंस को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इसी में होता है। तो सबसे पहले मैं फीचर करने वाली हूँ कॉसरेक्स का स्नेल 96 म्यूसिन पावर एसेंस, अनदर अमेजिंग थिंग जो आप सबने मुझे रिकमेंड किया, मैंने ली एंड आई एम लविंग इट। थैंक यू सो मच यार, तुम सब इतने अच्छे सजेशन देते हो ना, जो बहुत अच्छे निकल जाते हैं काफी बार, बहुत अच्छा है ये। एक्चुअल में ये एसेंस, अगर आपको नहीं पता एसेंस को कैसे यूज करते हैं, आप फेस वॉश करने के बाद जैसे आप टोनर यूज करते हो ना, उसी की तरीके से आप एसेंस यूज कर सकते हो, लेकिन इसका जो कंसिस्टेंसी है ना, वो बिल्कुल जेल जैसी है, ऐसी गूई सी कंसिस्टेंसी। कैन यू सी, बिकॉज ये स्नेल का एसेंस है, तो ये हल्का सा चिपचिप फील होता है, बट वंस इट गोज इन टू योर स्किन, थोड़ा सा टाइम लगता है, ये बहुत जल्दी आपकी स्किन में सिंक इन हो जाता है, बिल्कुल भी आपकी स्किन में चिपचिप ग्रीसी फील नहीं होता। आई एम लविंग इट, मैं आजकल इसको सुबह यूज करती हूँ, शाम को भी यूज कर लेती हूँ नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन के अंदर। सो फेस वॉश करना है, उसके बाद हल्की सी डार्क स्किन पे मैं इसको लगाती हूँ, बिकॉज ये सॉर्ट ऑफ एक हाइलुरोनिक एसिड जैसा ही कुछ फील होता है। आई थिंक इसके इंग्रेडिएंट्स में था भी, इसके इंग्रेडिएंट्स इसके बॉक्स के ऊपर थे, आई डोंट हैव इट। सो मैं इसको हल्की डार्क स्किन के ऊपर ऐसे मसाज कर लेती हूँ, स्किन के ऊपर थोड़ी देर छोड़ देती हूँ, एंड देन आई मूव ऑन टू माई सीरम एंड मॉइस्चराइजर। एंड ओ माई गॉड, मेरे जो कहीं ना कहीं जो मेरा बैरियर कहीं ना कहीं खराब हो गया था ना, मैंने रेटिनॉल सीरम यूज कर लिया था, उससे मेरा बैरियर पूरा हिल गया था, यहाँ पे पीलिंग हो गई थी, रेडनेस हो गई थी, तो उस बैरियर को काफी हद तक इसी ने इंप्रूव किया है, स्किन को सूद किया है, नरिश किया है। आपकी स्किन रेड हो गई, आपने कुछ यूज कर लिया है, फिर आप कुछ भी यूज करते हो अजीब सी रेडनेस हो जाती है, या आप कोई भी सीरम डायरेक्टली नहीं स्किन पे लगाना चाहते, आप एक पतला थिन बैरियर चाहते हो स्किन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, जब हम रेटिनॉल यूज करते हैं, हम सैंडविच मेथड यूज करते हैं, हम डायरेक्टली उसको स्किन पे नहीं लगाते, बिकॉज काफी बार लोगों को रेडनेस हो जाती है, पीलिंग हो जाती है। तो उस सेंस में ये कॉसरेक्स का एसेंस एकदम परफेक्ट है, इसकी थिन लेयर अपनी स्किन के ऊपर लगाओ एंड देन यू कैन मूव ऑन टू योर सीरम एंड मॉइस्चराइजेशन पार्ट, बट आई लव इट, इट इज वर्थ एवरी पेनी। अनदर अमेजिंग स्किन केयर प्रोडक्ट दैट रिपेयर्ड माई स्किन बैरियर इज दिस फेस वॉश, एंड ओ माई गॉड, मैं कभी बिलीव नहीं कर सकती थी कि एक फेस वॉश से मेरी स्किन का बैरियर ठीक हो जाएगा, बिकॉज दिस वन इज एक्चुअली अ जेम। मैं अब तक जितने भी इंटरनेशनल यूट्यूबर्स के रिव्यू देखती थी, सेरावी ऐसा है, सेरावी ये यूज करो, सेरावी का मॉइस्चराइजर यूज करो, आई वाज लाइक ऐसा क्या है यार, सेरावी एक नॉर्मल ब्रांड ही है, लोग इतना क्यों पागल हो रहे हैं। बट जब मैंने फेस वॉश यूज किया, आई रियलाइज कि इट इज एक्चुअली वर्थ एवरी पेनी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप मेरे से पूछोगे मैंने कहाँ से लिया, ये भी ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ इंडिया में, अमेजोन पे आपको मिलेगा लेकिन काफी प्राइसी मिलेगा, बिकॉज जब चीज ऑफिशियली लॉन्च नहीं होती इंडिया में तो अमेजोन इंडिया भी उसको बहुत महंगा करके बेचता है, बिकॉज वो भी फिर शिप करते हैं। बट मैंने अपने सब्सक्राइबर के थ्रू मंगवाया था, अगर आपने मिस कर दी मेरी प्रीवियस एक वीडियो मैंने रिसेंटली बनाई थी 2-3 वीक पहले, सब्सक्राइबर सेंड मी स्किन केयर फ्रॉम यूके, सो यूके एक सब्सक्राइबर रहती है, उसने मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट किया कि मैं इंडिया आ रही हूँ, मेरे बैग में थोड़ी सी स्पेस है, अगर आपको कुछ ऑर्डर करना है आप मेरे थ्रू ऑर्डर करवा दो और फिर मैं उनको पे कर दूंगी। सो उन्होंने मुझे वीफास्ट के थ्रू यहाँ पे इंडिया आके मुझे सेंड कर दिया था सारा सामान, आप वीडियो देख सकते हो, उसमें से था ये फेस वॉश, या आई थिंक मुझे 1000 रुपीज का पड़ा था, उस वीडियो मैंने प्राइस मेंशन किया था, उन्होंने ऑर्डर किया था सुपर ड्रग, एक वेबसाइट है वहाँ पे। तो इसका नाम है सेरावी फोमिंग क्लेंजर नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए, बाय द वे ये क्लेंज करता है, रिमूव करता है ऑयल को विदाउट डिस्ट्रप्टिंग द प्रोटेक्टिव स्किन बैरियर ऑफ फेस बॉडी विद एसेंशियल सेरामाइड नायसिनमाइड हाइलुरोनिक एसिड। सो इसका क्लेम एक्चुअल में वर्थ है, अगर आपका कोई भी लाइक स्किन का बैरियर खराब हो गया ना, ये एक्चुअल में उसको रिपेयर करता है। नायसिनमाइड, सेरामाइड, हाइलुरोनिक एसिड, ये सारे इंग्रेडिएंट्स अमेजिंगली वर्क करते हैं। ये जेल बेस्ड फॉर्मूला मैं बहुत थोड़ा लेती हूँ, ज्यादा भर के ही लेती हूँ, और आजकल तो मैं उसको मॉर्निंग इवनिंग यही यूज कर रही हूँ। मैंने अपने सारे सैलिसिलिक एसिड वाले फेस वॉश एकदम साइड कर दिए, बिकॉज मुझे अभी विंटर्स में बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने एक और फेस वॉश
मंगवाया है सेरावी का जो सैल्सिलिक एसिड वाला है वो मैं अभी यूज नहीं करी बिकॉज मुझे अभी इतने कॉमेडॉन्स और एक्ने फेस नहीं हो रहे, खाली मेरे फेस पर एक्ने मार्क्स हैं अभी। सो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। अगेन जो मेरा स्किन बैरियर वीक हो गया था, रेडनेस आ गई थी, उसको इसने ब्यूटिफुली सूथ किया है। सो जब भी इंडिया में लॉन्च होता है या फिर आप कहीं बाहर रहते हो या फिर आपके कोई रिलेटिव बाहर से आ रहे हैं, प्लीज़ ये मंगवा कर देखो, ये आपको बहुत पसंद आने वाला है। और अगर आप इंडिया आ रहे हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करना, आई वुड लव टू ऑर्डर फ्रॉम यू गाइज, कहने की तुम ही मेरे काम आ जाते हो यार। सो प्लीज़ लेट मी नो बिकॉज ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, वर्थ एवरी पेनी। बाय द वे सेरावी के जितने प्रोडक्ट्स होते हैं फ्रेग्रेंस फ्री होते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लव दिस वन। नेक्स्ट अप इज अ मॉइस्चराइजर फ्रॉम ईक्लैट, ये भी स्किन बैरियर को रिपेयर करता है बेसिकली। आई थिंक मैंने पूरा रिजीम आपको बता दिया स्किन बैरियर को रिपेयर करने का, बिकॉज सब कुछ मैंने शेयर कर ही दिया। फेस वॉश यूज़ किया, उसके बाद एसेंस लगाया, उसके बाद मैं सीरम्स लगाती हूँ। सीरम्स मेरे सारे वही पुराने वाले हैं, मिनिमलिस्ट का सैल्सिलिक एसिड हो गया, लॉरियल का हाइलुरोनिक एसिड, वो ऑलरेडी मैंने बेस्ट ऑफ 2021 की जो एक्ने स्किन के वीडियो बनाई थी उसमें फीचर किए थे। इस मंथ मेरे पास कोई सीरम नहीं है बिकॉज मैं वही यूज़ कर रही हूँ, बट मॉइस्चराइजर ओ माई गॉड दिस इज सो सो गुड। मैं इसको पूरे जनवरी मंथ में मैंने इसको एज अ नाइट टाइम मॉइस्चराइजर यूज़ किया एंड आई एम लविंग इट। आप देख सकते हो ये निचोड़ने वाले स्टेज पे आ चुका है। ये ईक्लैट का डबल रिपेयर हाइड्रा मॉइस्ट हाइड्रो प्लम्पिंग वेटलेस मॉइस्चराइजर क्रीम विथ प्रो बायो बैलेंस। सो ये एक्चुअल में वेटलेस क्रीम है, बिल्कुल भी ग्रीसी फील नहीं होती स्किन के ऊपर, हैवी फील नहीं होती। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा थिक है, मतलब इट्स नॉट दैट पतला पतला वाला पानी जैसा मॉइस्चराइजर, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा थिक फील होता है लाइक यू कैन सी, लेकिन ये बिल्कुल भी स्किन पर हैवी फील नहीं होती। आई डोंट नो ये मतलब बहुत अच्छा इन्होंने फॉर्मूला बनाया। वंस इट गोज इनटू योर स्किन इट जस्ट हाइड्रेट्स एंड नरिशेस योर स्किन। सुबह मैं जब उठती हूँ मेरी स्किन पे एक्सट्रीमली कोई ऑयलीनेस नहीं होती, लाइक मेरी टी जोन ऑयली नहीं होता, विच इज़ अ गुड थिंग। इंग्रीडियंट्स की जहाँ तक बात आती है, इसके अंदर प्रो बायो बैलेंस है 2%, सेरामाइड है इसके अंदर 3%। सेरामाइड बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, अगर आपकी विंटर्स में स्किन ड्राई हो गई है, फिर बैरियर डिस्टर्ब हो गया है, सेरामाइड बेस्ड प्रोडक्ट लगाया करो, वो बहुत अच्छे होते हैं स्किन के लिए। इसके अंदर नायसिनामाइड भी है 5%, इसलिए मैंने नायसिनामाइड सीरम अब बंद कर दिया है। अगर आप बिगिनर्स हो ना, आप 5% नायसिनामाइड बेस्ड प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हो, आपको अननेसेसरी नायसिनामाइड सीरम लेने की जरूरत नहीं है। आप ये मॉइस्चराइजर लगाओ, इसके अंदर आपको 5% नायसिनामाइड के वैसे ही बेनिफिट्स मिल रहे हैं। हाइलुरोनिक एसिड है इसके अंदर 1%, पेंथेनॉल है इसके अंदर 1%, कैमिला लीफ एक्सट्रैक्ट है, लिनसीड ऑयल है, पोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट है। द ओनली थिंग इज इसके अंदर हल्की सी खुशबू है ईक्लैट की, बस मुझे यही कंप्लेंट है। ईक्लैट के मुझे प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है, फेड आउट हो गया, विटामिन सी हो गया, रेटिनॉल हो गया, आई क्रीम हो गया, बट हल्की सी इसमें फ्रेग्रेंस है। सो अगर आपकी अल्ट्रा सेंसिटिव स्किन है तो मत लो, इग्नोर कर सकते हो, बट मेरे को ये बिल्कुल ब्यूटीफुली सूट हो रहा है, नो कंप्लेंट्स अबाउट इट। इसका प्राइस थोड़ा सा हाई है, 990 रुपीस का है, लेकिन डिस्काउंट मेरा हमेशा वर्क करता है ईक्लैट की वेबसाइट के ऊपर, विच इज कशिका 20, जिससे आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिल जाता है। और कभी कभी जब ईक्लैट की फ्लैट 40% ऑफ सेल आती है, बीच में आती रहती है, लाइक हर 6 मंथ्स में, हर 3 मंथ्स में आती है, मैं तब हमेशा शाउट आउट देती हूँ इस ब्रांड को बिकॉज इट इज वर्थ एवरी पेनी। तो तब आप इसको ग्रैब कर सकते हो बिकॉज 40% ऑफ है, तो आई थिंक इट इज वर्थ इट। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। नेक्स्ट स्किन केयर फेवरेट इज अ सनस्क्रीन फ्रॉम द ब्रांड क्योर्स। इफ यू आर फॉलोइंग मी सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, आपको पता होगा मुझे क्योर्स के प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है। आई लव देयर सनस्क्रीन। इनकी ग्रीन वाली जो मिनरल सनस्क्रीन है वो तो मेरी एट होम सनस्क्रीन है, मैं घर पर वो लगाती हूँ, SPF 30 है उसमें, परफेक्ट फॉर इट। सो रिसेंटली जो उनकी पुराना ऑरेंज वाला सेम फॉर्मुलेशन था ना, उन्होंने चेंज कर दिया, उन्होंने उसी फॉर्मुलेशन को ब्लू लाइट प्रोटेक्शन के साथ बना दिया विद टिंटेड। तो ये सेम वही फॉर्मुलेशन है, लेकिन अब ये टिंटेड हो चुकी है, आप देख सकते हो बिल्कुल स्किन का जैसे कलर होता है ना, इसने बिल्कुल वाला कलर ले लिया है। एंड द कलर इज एक्चुअली परफेक्ट फॉर इंडियन स्किन टोन। इसके अंदर बहुत एक अच्छा ऑरेंज अंडरटोन है जो मेरी स्किन टोन पे ब्यूटीफुली जाता है। सो अगर आप लाइक ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो, मैंने जस्ट अभी रिसेंटली वीडियो बनाई है माय विंटर स्किन केयर एंड मेकअप रूटीन, आप वहां जाके देख सकते हो, मैंने पूरा ये लगा के दिखाई है और मैंने भर के लगाई है बिकॉज सनस्क्रीन ज्यादा ही लगाई जाती है। आप देख सकते हो उसमें कोई व्हाइट कास्ट नहीं है, मेरी स्किन अजीब नहीं लग रही, व्हाइट नहीं लग रही बिकॉज ये स्किन के कलर को अडेप्ट कर लेती है। और अगर आप लाइक स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, आपको अननेसेसरी फाउंडेशन लगाना, लेकिन आपको एक इवन स्किन चाहिए तो आप ये यूज कर सकते हो बिकॉज ये थोड़ा बहुत रेडनेस को भी बैलेंस आउट कर देती है। ये फाउंडेशन नहीं है, ये आपको कवरेज नहीं देगी, लेकिन थोड़ा सा ये स्किन को बैलेंस आउट कर देती है बिकॉज ऑफ द टिंटेडनेस। आई लव इट। ये बाय द वे SPF 50 UVA UVB प्रोटेक्शन मैटिफाइंग सनस्क्रीन है, इसमें PA 4x+ प्रोटेक्शन है, ऑक्सीबेंजोन OMC फ्री है। यू गाइज नो मैं OMC ऑक्सीबेंजोन वाली सनस्क्रीन नहीं यूज करती बिकॉज जिनको हार्मोनल इश्यूज होते हैं, PCOS इश्यूज होते हैं, उनको नहीं वो यूज करना चाहिए। ब्लू लाइट इसमें आपको प्रोटेक्शन मिलती है। लव दिस वन। क्योर्स भी मेरा एफिलिएट कोड वर्क करता है बाय द वे, कशिका 15। सो आप डेफिनेटली उनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। अनदर अमेजिंग प्रोडक्ट बाय क्योर्स।
कमिंग टू हेयर केयर, जनवरी मंथ का मेरा मोस्ट फेवरेट हेयर केयर प्रोडक्ट रहा है जिससे मेजर डिफरेंस आया मेरे बालों में। आई थिंक मैंने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे भी ऑलरेडी आपको बता ही दिया था, वो है ये हेयर मास्क बाय गार्नियर। आई थिंक जब तक ये वीडियो आएगी उससे पहले इसका जो डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो है वो जा चुका होगा मेरे चैनल के ऊपर, तो मैं नीचे लिंक डाल दूंगी, आप जाकर देख सकते हो। वो डेडिकेटेड वीडियो है इन कोलैबोरेशन विद द ब्रांड, वो स्पॉन्सर्ड है बाय द ब्रांड, बट ट्रस्ट मी मुझे ये इतने अच्छे लगे, आई फील सो प्राउड जब मैं कोई स्पॉन्सरशिप उठाती हूँ, मुझे जेन्युइनली वो इतनी ज्यादा अच्छी लगती है। फिर मैं मंथली फेवरेट में भी उसको फीचर करती हूँ, बिकॉज ये जो मंथली फेवरेट सेक्शन है ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आप देख सकते हो मैंने इसको जनवरी के हाफ तक पूरा यूज किया और मैंने लिटरली यहाँ तक मैं बीच तक आ चुकी हूँ। मैंने इसको इतना ज्यादा यूज किया ना, बिकॉज विंटर्स में एक तो हल्की सी ठंड जब ज्यादा होती है थोड़ा सा गर्म पानी से नहाना पड़ता है, बाल अजीब से रफ हो जाते हैं, तो मेरे ना वो रफनेस जा ही नहीं रही थी। मैं कुछ भी यूज कर रही थी, कंडीशनर हेयर मास्क नहीं जा रही थी, बट दिस वन लिटरली चेंज माई हेयर। ये गार्नियर का नरिशिंग बनाना हेयर फूड इन द वेरियंट बनाना, ऑब्वियसली मैंने बोल ही दिया है। सो दिस वन इज स्पेसिफिकली फॉर ड्राई हेयर, एंड ट्रस्ट मी अगर आपके ड्राई बाल है, बहुत ज्यादा फ्रिजीनेस है, आप देख सकते हो मेरी फ्रिजीनेस काफी टेम डाउन लग रही है, कल ही मैंने इसको यूज किया। सो ये बेसिकली हेयर मास्क भी नहीं है, दे कॉल देमसेल्फ हेयर फूड, बिकॉज इसको एक्चुअल में आप मल्टीपल वेज में यूज कर सकते हो। मैं वो वीडियो का लिंक नीचे डाल दूंगी, आप प्लीज जाकर देखना, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है इसके इंग्रीडियंट्स क्या है, इसको यूज कैसे करना है, इसके बेनिफिट्स कैसे कैसे हैं, मैं इसको मैक्सिमम बेनिफिट्स के लिए कैसे यूज करती हूँ, बट आई एम लविंग इट, आई थिंक दिस इज वर्थ एवरी पेनी। माय नेक्स्ट हेयर केयर फेवरेट इज द सीरम बाय लॉरियल, या लॉरियल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सीरम, दिस इज फॉर ऑल हेयर टाइप। मेरे पास काफी टाइम से रखा हुआ है, इनफैक्ट जब ये आया था मुझे नायका से पीआर में, मैंने तब थोड़ा सा यूज किया था और फिर मैंने इसको उठा के रख दिया था, बिकॉज मुझे उस टाइम के हिसाब से बहुत हैवी लगा, आई थिंक समर्स थे तब, और समर्स के हिसाब से मुझे हैवी ग्रीसी फील हुआ। आपको अगर नहीं पता, आप मुझे पहले से नहीं फॉलो करते, तो मैं बायोलाज का सीरम यूज करती हूँ, आई लव दैट वन, जो बायोलाज का स्मूथ प्रूफ आता है, वो काफी लाइट है टेक्सचर में, तो वो अच्छा लगता है मुझे अपने बालों के ऊपर। लेकिन अगेन अब विंटर्स आ गई थी, बाल मेरे अजीब से ड्राई रफ रफ हो गए थे, तो मुझे ये सीरम बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। अगर आपके भी एक्सट्रीमली फ्रिजी बाल है, रफनेस आपके बालों में बहुत ज्यादा है, ट्राई दिस वन, इसकी कंसिस्टेंसी हल्की सी थिक है एज कम्पेयर टू बायोलाज। इसको शैम्पू से पहले यूज कर सकते हो, ड्राई बिफोर हेयर ड्राइंग यूज कर सकते हो, स्टाइलिंग से पहले यूज कर सकते हो, फिनिशिंग टच के वे में यूज कर सकते हो, और एक ओवरनाइट ट्रीटमेंट के सेंस में भी यूज कर सकते हो, और मैं इसको एज अ ओवरनाइट ट्रीटमेंट ही आजकल यूज कर रही हूँ। मैं शैम्पू से एक दिन पहले इसको अपनी हेयर लेंथ पे लगा लेती हूँ, एंड आई एम लविंग द होल रिजल्ट। सॉरी मुझे जुकाम हुआ है तो मेरी आवाज ऐसी आ रही है। कमिंग टू मेकअप फेवरेट, मैंने इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट तो किया नहीं, बिकॉज जनवरी हमारा मेजरली स्टे होम ही था, तो मैं जो प्रोडक्ट्स यूज करती आ रही थी मैं वही यूज कर रही थी, लेकिन रिसेंटली मुझे काफी अच्छा लगा। मैंने अभी आपको अपनी विंटर स्किन केयर एंड मेकअप रूटीन में यही दिखाया था, यह अर्थ रिदम का लिप एंड चीक टेंट, मैं इसको इसी कार्टन में ही रखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है गुम हो जाएगा, बिकॉज इसकी बिल्कुल ऐसे नेल पेंट जैसी पैकेजिंग है, बड़ा मिक्स हो जाता है सबके अंदर, तो मैं इसको यूज करती हूँ, फिर यहाँ स्टूडियो रूम में कार्टन में डाल देती हूँ। सो मेरे पास है वेरियंट चेरी, ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था, अर्थ रिदम का लिप चीक टेंट, ये है क्रुएल्टी फ्री, फ्रेग्रेंस फ्री एंड नो थैलेट इसके अंदर है, और ये जो चेरी कलर है ना ये एकदम ऑन फेस रेड कलर का टेंट है। मैं आपको लगा के भी दिखाने वाली हूँ, बिकॉज आज मैंने यही वाला टेंट लगाया है, इट इज वेरी वेरी पिगमेंटेड, और आप अभी वीडियो में देख सकते हो मैंने लेफ्ट साइड तो हल्का सा लगाया, लेकिन राइट साइड शायद ज्यादा टच हो गया था, तो एकदम मेरे राइट वाले चीक्स एकदम रेड रेड हो गए थे, तो इसको बहुत हल्का लगाना होता है। मैं इसको अपने लिप्स पे यूज नहीं करती, मैं खाली इसको अपने चीक्स पे यूज कर रही हूँ, और इसका ना ऐसे ग्लॉसी जैसे चिपचिपा ग्लॉसी वाला टेक्सचर नहीं होता, इसका वैसा टेक्सचर है, ये पानी वाला लिप एंड चीक टिंट नहीं है, ये हल्का सा थिक है जैसे ग्लॉस होता है। सो अभी विंटर्स में ऐसे बहुत ज्यादा स्किन ड्राई हो जाती है, यहाँ पे ऐसी अजीब सी क्रैक हो जाती है स्किन, अगर आप कुछ ब्लश ऐसा यूज कर लोगे जो पाउडर बेस्ड है, यहाँ पे स्किन क्रैक हो जाती है, तो मुझे इसलिए ये काफी ज्यादा भी पसंद आ रहा है, बिकॉज अभी विंटर्स में मेरे स्किन को अच्छे से एकदम ग्लोई ग्लोई बना रहा है, पिंकी बना रहा है, और मेरे चीक्स क्रैक इससे नहीं हो रहे। अगर आपकी भी ड्राई स्किन है ना तो ये आप लिप एंड चीक टिंट ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा है। आपको अमेजोन पे इसके दो और कलर के वेरिएंट मिल जाएंगे, सो यू कैन डेफिनेटली पिक इट अप। एंड नेक्स्ट मेकअप फेवरेट इज दिस न्यू लॉन्च बाय मेबेलिन, जिसके कैंपेन आप हर जगह देख रहे होंगे, बिकॉज अब ये न्यूली लॉन्च हुआ है तो ब्रांड ने लिटरली हर जगह इसके कैंपेन किया है। मैंने भी इनके साथ एक स्पॉन्सर्ड वीडियो बनाई थी जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी। दिस इज मेबेलिन टैटू स्टूडियो स्मोकी जेल पेंसिल एंड इट इज एक्चुअली वेरी गुड, मुझे जेन्युइनली काफी पसंद आई है। मैंने पूरे जनवरी मंथ में अगर बाहर भी गई हूं ना तो मैंने लिटरली यही लुक करी है, बिकॉज आई लव द होल आइडिया ऑफ इट। उसको स्मोकी जेल पेंसिल इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये एकदम जेल लाइनर है, तो आप इसको खाली भी ऐसे यूज कर सकते हो लाइनर की तरह, अपने ऊपर काजल की तरह अंदर लोअर वाटरलाइन पे लगा सकते हो। मेरी सेंसिटिव आइज है, मैं लेंस लगाती हूँ, मुझे तभी भी ये सूट कर रही है, सो डेफिनेटली अमेजिंग। सो ऐसे ही रिट्रैक्टेबल फॉर्म में आती है, तो कोई शार्पनिंग वाला सिस्टम नहीं है, बिकॉज इजी टू यूज रहता है और प्रोडक्ट वेस्ट भी नहीं होता। एंड पीछे आपको मिलता है ये स्मजर बेसिकली, जिससे ये स्मोकी आइज आप बना सकते हो। थोड़ा सा लगाया, ऐसे स्मोकअप किया, एंड यू आर गुड टू गो। मुझे कंसेप्ट पूरा बहुत अच्छा लगा, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो। मैंने उसके अंदर इनकी अल्टीमेट रेंज भी आपको फीचर करी है, दो शेड थे उसके अंदर, मुझे दोनों ही लिपस्टिक के
शेयर वो काफी पसंद आए. आई जस्ट लिंक द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. दिस इज एक्चुअली रियली गुड. तो अगर आप इसकी कैंपेन हर जगह देख रहे हो, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली ट्राई. थिंग जो मुझे काफी पसंद आई जनवरी मंथ में वो है लैक्मे लिप लव का ये लिप बाम. मैंने लैक्मे का लिप बाम बहुत टाइम बाद ट्राई किया एंड आई लव्ड इट. एक तो इसकी जो सबसे बेस्ट बात है ना, ये लिटरली आप एज अ लिपस्टिक यूज कर सकते हो. कैन यू सी इसका कलर कितना प्यारा आता है. मैं लिटरली इसको आजकल ऐसी लगा लेती हूँ एंड आई एम गुड टू गो. मुझे अलग से लिपस्टिक लगाने की जरूरत नहीं है. सो अगर आप स्कूल गोइंग हो, आप कॉलेज गोइंग हो, आपको अलग से लिपस्टिक नहीं लगानी, लेकिन आपको एक नरिशमेंट चाहिए, आपको थोड़ा सा कलर भी चाहिए अपने लिप्स के ऊपर, ट्राई दिस वन. ये काफी सही है. ये 100% ट्रांसफर प्रूफ तो नहीं बोलूंगी बिकॉज ऑब्वियसली लिप बाम है. थोड़ा सा एक ग्लॉसी फील देता है तो ये मास्क पे हल्का सा ट्रांसफर होगा. बाय द वे द शेड इज रास्पबेरी एंड ये एक्चुअली बहुत प्यारा रेड कलर देता है आपके लिप्स के ऊपर. आपको अलग से कोई लिपस्टिक लगाने की जरूरत नहीं होती. तो ये लिप बाम लिपस्टिक का मिक्स है. आई थिंक सेल के टाइम पे आपको ये 96-95 रुपीज का मिल जाता है अमेजोन पे. सो दिस इज डेफिनेटली वर्थ एवरी पेनी. नेक्स्ट अप आई हैव अ नेल पेंट फ्रॉम नायका इंस्टा ड्राई कलेक्शन. मैंने आपको इससे पहले दिखाई थी रोज रूम, आई थिंक नवंबर या फिर दिसंबर के फेवरेट में. आई लव दैट शेड. वो एकदम पिंक टोन में एक न्यूड शेड है. वाइल ये वाला जो शेड है ये फ्लैट एकदम न्यूड कलर है. अगर आप सिंपल एक न्यूड कलर ढूंढ रहे हो अपने नेल्स के लिए, दिस इज एक्चुअली वेरी गुड. इसका नाम है फ्लैक्स फीड. दिस इज ऑल द कलर लुक्स लाइक. मैंने अभी यही लगाया हुआ है बाय द वे. सो कुछ इस तरह से कलर दिखता है. इट्स लाइक अ प्रॉपर न्यूड कलर. बहुत प्यारा लगता है. ये इंडियन स्किन टोन पे भी बहुत अच्छे से फ्लैटर कर रहा है. सो अगर आपको मेरे जैसा वीटिश स्किन टोन है ना, तो आप ये ले सकते हो. और ये इंस्टा ड्राई फॉर्मूला है तो ये बहुत जल्दी सूख भी जाता है. द ओनली थिंग इज ये जो इंस्टा ड्राई कलेक्शन है ना, ये मुझे लग रहा है टिप से बहुत जल्दी फेड हो जाती है. आई डोंट नो, इनकी बाकी नेल पेंट इतनी जल्दी फेड नहीं होते, ये वाली थोड़ी सी जल्दी फेड हो जाती है. लेकिन अगर आप कहीं जाने वाले हो, आपको क्विकली कुछ लगाना है जो फटाफट ड्राई हो जाए, आई थिंक इंस्टा ड्राई इज अ रियली नाइस एंड अफोर्डेबल रेंज. आई हैव अनदर आई मेकअप फेवरेट फ्रॉम द ब्रांड हुडा ब्यूटी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे नायका से इतनी अच्छी अच्छी ब्रांड्स के पीआर आते हैं कि मैं उसको ट्राई कर पाती हूँ, आप सबको रिव्यू कर पाती हूँ. बिकॉज दिस इज समथिंग हाई एंड एंड आई वॉज वेरी हैप्पी वेन आई रिसीव्ड इट. सो मुझे से पहले लगता था हुडा ब्यूटी आई शेडो पैलेट काफी हाइप्ड है यार. क्या यार, यही चीज स्विस ब्यूटी बना रहा है, मार्स बना रहा है, तो इतना क्यों एक्सपेंसिव में इन्वेस्ट करना है. बट वेन आई रिसीव्ड इट, वेन आई यूज इट, आई एक्चुअली रियलाइज कि नहीं यार, फर्क होता है. ये जो पिगमेंट ग्लाइड होता है, जो स्मूथली अप्लाई होता है, जो इसकी स्टेइंग पावर होती है, जो इसका शिमर होता है, वो इतनी अच्छी क्वालिटी का होता है. सो डेफिनेटली आई कैन से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो दे आर वर्थ योर पेनी. सो ये हुडा ब्यूटी का सैंड हेज आई शेडो पैलेट. बहुत प्रिटी इसकी पैकेजिंग है एंड वी गेट अ फुल साइज मिरर एज वेल. एंड दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक. आई लव द होल कलर पैलेट. मतलब मैं जिस तरह के शेड यूज करना प्रेफर करती हूँ ना, इसके अंदर बिल्कुल वही कलर है. मैं इससे वेस्टर्न लुक क्रिएट कर सकती हूँ, मैं इसको अपने शूट्स में यूज कर सकती हूँ, मैं इससे इंडियन लुक भी क्रिएट कर सकती हूँ. बिकॉज जितने भी है ना, ये सब शिमर है और इसका शिमर बहुत अच्छी क्वालिटी का है. लाइक लुक एट दिस. मतलब दे आर नॉट दैट चंकी वाले जो बड़े बड़े शिमर होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा लाउड लगते हैं, मतलब ओवर द टॉप ऐसे दिखता है वो पार्टिकल, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते. ट्रस्ट में, जब आप रियल लाइफ में मेकअप करते हो ना, तो आप वो लोकल क्वालिटी के अगर प्रेस शिमर यूज करोगे ना, तो वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, इरिटेटिंग लगते हैं. इसका जो शिमर है वो एक्चुअल में बहुत फाइनली मिल्ड है, जो बहुत नेचुरल लगता है. आईज के ऊपर जो एक ट्रांजिशन क्रिएट होता है ना शिमर का, वो बहुत प्यारा लगता है. अपार्ट फ्रॉम शिमर, इसके अंदर न्यूड शेड भी है. तीन इसके अंदर एकदम न्यूड कलर के शेड है जो आप हल्का हल्का अप्लाई कर सकते हो जस्ट फॉर नेचुरल लुक. एंड दो आपको डार्क शेड मिलता है फॉर, तो इससे मैं कोई भी लुक क्रिएट कर सकती हूँ. कोई शूट करना होता है, वेस्टर्न लुक क्रिएट करनी होती है, मैं दो तीन बार जब मैंने इंडियन आउटफिट पहने ना, थोड़े से पिंक टोन के, ऐसे ब्राउन टोन के, तो मैंने यही वाला आईशैडो पैलेट यूज किया. बिकॉज इंडियन वेडिंग के हिसाब से मुझे एक लॉन्ग लास्टिंग अच्छी क्वालिटी का आईशैडो पैलेट चाहिए होता है. आई ऑलवेज रीच आउट टू दिस वन. ये मैंने जनवरी में काफी बार शूट्स के लिए भी यूज किया है. लव दिस वन. नायका की जब सेल आती है ना, ये हुडा ब्यूटी के पैलेट आपको लिटरली 50% ऑफ पे मिल जाते हैं, तो तब आप ग्रैब कर सकते हो. नायका की जब भी सेल आती है, मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे आपको अपडेट करती हूँ कि देखो यहाँ डील चल रही है, वहां डील चल रही है. तो अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहे, आप कहीं ना कहीं मिस आउट कर रहे हो. सो प्लीज गो देयर एंड फॉलो मी देयर. मैं नीचे लिंक डाल दूंगी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का, आप सर्च भी कर सकते हो. मैं हमेशा रिकमेंडेशंस आपको देती हूँ, बिकॉज जब अच्छी सेल चलती है, फील लाइक मेरी ऑडियंस एकदम सस्ते में ग्रैब कर लेगी ना डील, तो एकदम बढ़िया रहेगा. एंड फाइनली कमिंग टू इंस्टाग्राम स्टोर शाउट आउट. इस साल मैं पूरा डेडिकेटेडली वर्क करूंगी कि मैं हर मंथ एक इंस्टाग्राम स्टोर को शाउट आउट दे पाऊँ. मैंने लास्ट ईयर भी शुरू किया था, बट बीच बीच में भूल जाती थी. बट इस मंथ मैं करने वाली हूँ, बिकॉज मुझे काफी सारे जो स्मॉल बिजनेस होते हैं वो रीच आउट करते हैं इंस्टाग्राम पे, पीआर भेजते हैं. मैं चार्ज नहीं करती, मैं उनसे पैसे नहीं लेती, बिकॉज दे आर जस्ट बिगिनर्स. तो मुझे वो एक दो चीजें जो बनाते हैं ना, वो मुझे सेंड करते हैं. तो इस मंथ मुझे दो पेजेस काफी पसंद आए हैं इन ज्वेलरी नीड. सबसे पहले अभी जो रिसेंटली मुझे रिसीव हुआ है पीआर फ्रॉम द स्टोर नेम आभूषण स्टोर, मैं उनका यहाँ पे इंस्टाग्राम हैंडल डाल दूंगी. आभूषण उनका इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है, मैं नीचे लिंक भी दे दूंगी. उन्होंने मुझे दो तीन ज्वेलरी दी थी, उसके अंदर झुमके थे, इयरिंग्स भी थे, एक क्लिप्स का एक सेट था, एक चोकर था, लेकिन उसमें ये पेंडेंट था जो मुझे इतना सुंदर लगा. सो बेसिकली ये टू वे स्टाइल पेंडेंट है, यह
भी ऐसे है, तो अभी ये बंद हुआ हुआ है, एक फ्लावर की शेप ले देता है। एंड वंस यू ओपन इट, ये जो फोर हार्ट्स हैं वो ऐसे अलग हो जाते हैं, बहुत प्यारे से पेंडेंट लगता है। सो मुझे कंसेप्ट काफ़ी सही लगा, आप इसको बोथ वेज में यूज़ कर सकते हो। यू कैन जस्ट वेयर इट लाइक अ फ्लावर शेप और हार्ट वाली शेप। सो जेमिनी मी लाइक दिस कंसेप्ट, मैं अपनी मूड के हिसाब से इसको चेंज कर सकती हूँ। और इतना डेंटी लगता है, इसकी चेन की क्वालिटी भी काफ़ी सही है, इट्स नॉट थिक, वो बड़ी वाली चेन नहीं है। मुझे इसके स्टोन कट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। और भी जो उन्होंने चीज़ें दी थी, आप मेरे इंस्टा पेज पे जाओ, आपको एक हाईलाइट दिखेगा आईजी स्टोर्स करके। मुझे जितने भी पीआर आते हैं इंस्टा स्टोर से, मैं वहाँ पर हाईलाइट कर देती हूँ, सो दैट आप हमेशा उनको देख पाओ, उनको सपोर्ट कर पाओ। तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो, मैंने अब तक जितने भी इंस्टा स्टोर से पीआर आया मैंने वहाँ पर फीचर किया है। सेकंड जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा फ्रॉम द पेज ANS कलेक्शन, इनका मैं इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। सो ये बेसिकली कस्टमाइज पेंडेंट बनाते हैं। आई एम सॉरी, मैंने यूज कर लिया, थोड़ा सा घुचड़ हो चुका है। इट्स बेसिकली अ नेम पेंडेंट, यू कैन सी इसके ऊपर कशिका लिखा हुआ, और कट वर्क जो है ना अल्फाबेट्स का, वो काफी नीट है, तो आप इजिली रीड भी कर सकते हो। आई रियली लाइक द क्वालिटी ऑफ चेन एज वेल। अभी रिसेंटली मैंने हार्ट टू हार्ट Q&A वीडियो बनाई थी, मैंने उसके अंदर यही पहना हुआ था मेरे ब्लैक टर्टल नेक के साथ। ये बहुत प्रिटी लगता है, आई थिंक गिफ्टिंग के लिए काफी सही है। वैलेंटाइंस डे आ रहा है, अगर आप अपने पार्टनर को देना चाहते हो या वैसे भी किसी को गिफ्ट करना चाहते हो, इट्स अ वेरी नाइस आइटम। और आई थिंक ये मुझे 2 या 3 महीने पहले आ गया था, आई थिंक मुझे नवंबर के लास्ट वीक में आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो तब से मैं इसको पहन रही हूँ, अभी तक इसमें कोई भी कलर चेंज नहीं आया है, बिल्कुल भी इसका कलर फेड नहीं हुआ है। तो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी भी आई कैन से इट इज एक्चुअली वेरी नाइस। इसकी पैकेजिंग भी मुझे काफी सही लगती है, बहुत अच्छे गिफ्टिंग स्टाइल में आता है। सो यू कैन डेफिनेटली सपोर्ट बोथ द पेजेस, मैं इनके लिंक नीचे डाल दूंगी। एंड विद दिस माय मंथली फेवरेट वीडियो इज ओवर, इन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगी। डू कॉमेंट बिलो, आपका जनवरी मंथ का सबसे फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा रहा मुझे प्लीज बताना कॉमेंट सेक्शन में। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।